नमस्कार दोस्तों, टेक अर्थना चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि टेलीग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसे देख करके आप भी आसानी से अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को ओपन करेंगे और लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे तो एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिया रहता है, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। और इसे आप स्लाइड करेंगे तो नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। तो ऐसा पेज आएगा, तो इसे आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो 6 महीने तो पहले से ही सिलेक्ट है। अगर इतने टाइम तक आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन नहीं आते हैं तो आपका अकाउंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। और इसमें सबसे कम टाइम 1 महीने दिया हुआ है, तो चाहे तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद 1 महीने तक आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन नहीं आएंगे तो आपका अकाउंट 1 महीने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हुआ 1 महीने या इससे ऊपर के टाइम में अकाउंट को डिलीट करने का तरीका। लेकिन अगर आप अभी तत्काल में अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप बैक आएंगे, तो इसी में आपको स्लाइड करके नीचे आना है। और नीचे आएंगे तो आपको एक टेलीग्राम FAQ का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आएगा, तो इसे आप स्लाइड करेंगे। स्लाइड करके आप नीचे जाएंगे तो योर अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, और इसी में आपको एक डिलीट योर टेलीग्राम अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आएगा और इसमें लिखा हुआ है हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट, और नीचे इसमें ब्लू कलर में डीएक्टिवेशन पेज लिखा हुआ है, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करते हैं तो नीचे आपको ब्राउजर सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आपको क्रोम ब्राउजर पर टैप कर लेना है। क्रोम ब्राउजर पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा, और इसमें नीचे योर फोन नंबर करके एक बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने कंट्री कोड के साथ में अपना नंबर टैप कर लेना है। जैसे कि आप इंडिया से हैं तो +91 और उसके बाद फिर अपना नंबर टैप कर लेंगे। मोबाइल नंबर को टैप करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप टैप करेंगे तो आपके टेलीग्राम पर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा, उसी कंफर्मेशन कोड को यहाँ पर टैप करना है। तो ऊपर में मेरे टेलीग्राम पर एक कंफर्मेशन कोड आ गया है, तो इस पर टैप करके उसे कॉपी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो कन्फर्मेशन कोड दिया हुआ है, तो इस पर थोड़ा जोर से टैप करेंगे और इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टैप करेंगे तो इतना पार्ट कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद फिर बैक आ करके और इसमें कन्फर्मेशन कोड को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद साइन इन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पे जाएगा, और इसमें नीचे आपका नंबर शो होता है, और इसमें नीचे लिखा हुआ है व्हाई आर यू लिविंग, तो चाहे तो आप रीजन भी लिख सकते हैं कि क्यों अपने टेलीग्राम अकाउंट को आप डिलीट कर रहे हैं। और ये कंपलसरी भी नहीं है, तो चाहे तो आप लिखेंगे या फिर छोड़ भी सकते हैं। और इसमें नीचे लिखा हुआ है डिलीट माई अकाउंट, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो ऐसा पेज आएगा, और इसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर, और फिर वार्निंग लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि टेलीग्राम अकाउंट को डिलीट करने के बाद दोबारा आप इसे साइन इन नहीं कर पाएंगे, तो आप पूरी तरह से श्योर हो जाए कि अपने अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ही आप इसे डिलीट करें, ना तो डिलीट ना करें, क्योंकि दोबारा आप इसे साइन इन नहीं कर पाएंगे, साइन इन करना पॉसिबल नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो फाइनली अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए यस डिलीट माई अकाउंट पर आप टैप कर देंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर ऐसा पेज आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो इतना करने के बाद आपका अकाउंट फाइनली डिलीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।